हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि हमारे सेफ्टी ऑफिसर पूरे दिन साइट पे क्या क्या उनका ड्यूटी रहता है, क्या क्या उनका काम रहता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी अवेयरनेस थ्रू टीबीटी, यानी कि टूल बॉक्स टॉक। जब भी हमारे साइट पे सुबह सुबह काम स्टार्ट होता है तो काम स्टार्ट होने से पहले एक शॉर्ट सेफ्टी मीटिंग हम लोग करते हैं, जिसमें उस काम में क्या खतरा है और उससे कैसे बचना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ये सभी चीज हमारे वर्कर्स को बताया जाता है। सेकेंड है इंश्योर एंड वेरीफाई वैलिड वर्क परमिट, यानी कि आपको इंश्योर होना है, इंश्योर देर इज ए वैलिड वर्क परमिट बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, यानी कि आपको ये कंफर्म करना है सेफ्टी ऑफिसर को कि जो काम हम शुरू करने वाले हैं, हमारे साइड पे जो काम शुरू हो रहा है, उसके लिए वैलिड वर्क परमिट पहले लिया गया है कि नहीं, ये आपको चेक करना रहता है। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड सेफ्टी ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके साइट पे जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपका जो ऑब्जर्वेशन शीट होता है उसमें आपको इसको रिकॉर्ड करना है, मेंशन करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हजार्ड एंड रिकमेंड सुटेबल कंट्रोल मेजर्स, यानी कि आपके साइट पे जो भी पोटेंशियल हजार्ड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बदले आपको सुटेबल कंट्रोल मेजर अपने मैनेजमेंट को रिकमेंड करना है, बताना है। नेक्स्ट है सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स इक्विपमेंट एंड मशीनरी, यानी कि आपको आपके साइट पे जो भी टूल्स है, जो भी मशीनरी है, उसका इंस्पेक्शन करना है और ये चेक करना है कि वो जो टूल्स है, जो मशीनरी है, वो सही है कि नहीं, यूज करने के लायक है कि नहीं। नेक्स्ट है सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि पीपीईज, आपके साइट पे जो भी पीपीईज यूज हो रहे हैं आपको ये चेक करना है, इंश्योर करना है कि वो पीपीईज कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी इंडक्शन जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, यानी कि आपको सेफ्टी इंडक्शन करना है वर्कर का, जो भी नए वर्कर आते हैं। उसके बाद है जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, यानी कि काम से रिलेटेड जो भी काम करना है, उस काम में क्या खतरा है, उसको कैसे बचना है, उस काम के दौरान ये सब अपने वर्कर्स को बताना है। उसके बाद है सेफ्टी अवार्ड फंक्शन एंड प्रोग्राम, यानी कि जो भी आपके साइट पे वर्कर काम कर रहे हैं उनको एक सेफ्टी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, उसमें उन लोगों को कुछ गिफ्ट देना है, कुछ अवार्ड देना है, ताकि उनका मनोबल बना रहे और सेफ्टी के प्रति जागरूक रहे। नेक्स्ट है सेफ्टी अवेयरनेस पोस्टर्स एंड साइनेज, आपके साइट पे जिधर काम चल रहा है उस एरिया में आपको सेफ्टी पोस्टर और साइनेज लगाना है, ताकि वर्कर उसको देख के, उसको पढ़ के कुछ सीख सके, कुछ जानकारी ले सके। इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, आपके साइट पे जो भी इम्प्लीमेशन हो रहा है सेफ्टी से रिलेटेड, उसको आपको अपने वर्कर के साथ शेयर करना है, अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करना है, ताकि उनको जो नया इम्प्लीमेंटेशन है उनको पता चल सके, जो रूल्स है नए उनको पता चल सके और उस चीज को वो फॉलो कर सके। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग जैसे एंड हीरा, यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ये सब प्रिपेयर करना भी सेफ्टी ऑफिसर की एक जिम्मेवारी है, मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट एक तरीके का सेफ्टी इंस्पेक्शन है हमारे साइड का, और उसमें सेफ्टी ऑफिसर्स को भाग लेनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमारे साइड पे सेफ्टी कल्चर को या सेफ्टी रूल्स को सही तरीके से फॉलो कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी कि जब भी आपके साइट पे किसी भी प्रकार का इंसिडेंट होता है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनता है, जिसमें सेफ्टी ऑफिसर को पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए और उसमें ये पता करना चाहिए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाना चाहिए।